दोस्तों WTC के फाइनल मुकाबले में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने कोच बनते ही भारतीय टीम की 15 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया वर्ल्ड कप 2023 के लिए। और वही 10 साल बाद एक ऐसा बब्बर से लौटा जिसके डर से दुनिया की सभी टीमें थरथर कांपने लगी हैं। और वहीं जिन्होंने IPL 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया था उन सभी को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिनमें से 4 तो ऐसे बब्बर से खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप का खिताब जिताने का अवसर रखते हैं। लेकिन दोस्तों आप भी चाहते हैं अब की बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जब से MS धोनी ने भारतीय टीम से संन्यास लिया है तब से लेकर आज तक भारतीय टीम ICC की कोई भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है, चाहे रोहित शर्मा की कप्तानी हो या फिर विराट कोहली की कप्तानी हो। मगर दोस्तों BCCI और ICC ने बड़ा षड्यंत्र रचा है क्योंकि अब की बार ICC की ट्रॉफी जीतनी है जिसमें रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा गया है और वर्ल्ड कप में अब की बार कैप्टनसी करने वाले हैं हार्दिक पांड्या। मगर दोस्तों ये वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है 5 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर वाले दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा। मगर दोस्तों इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने भारतीय टीम का कोच बनते ही वर्ल्ड कप 2023 के लिए खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तो चलिए गाइस अब आपको बताते हैं वर्ल्ड कप 2023 के लिए यानी स्क्वाड कैसा होने वाला है। गाइस आपको बता दें कि रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया। जैसा कि आप भलीभांति से जानते होंगे कि यशस्वी जायसवाल ने IPL में कैसा प्रदर्शन किया था यानी अपने बल्ले से सभी गेंदबाजों को फोड़ा था। और वहीं वर्ल्ड कप में यानी ओपनिंग करने वाले यशस्वी जायसवाल के साथ सुमन गिल, जबकि इन दोनों बल्लेबाजों ने कैसी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी IPL में। और वहीं इनके साथ ईशान किशन और KL राहुल को शामिल किया गया है। मगर दोस्तों बात करें मिडल ऑर्डर की तो मिडल ऑर्डर में अब की बार रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे को मौका दिया गया है और वहीं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर भी इस मिडल ऑर्डर को संभाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों और वहीं विकेट कीपरिंग की बात करें तो विकेट कीपरिंग में ईशान किशन को मौका दिया गया है और ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद फिट हो चुके हैं और वहीं संजू सैमसन को भी मौका दिया गया है। यानी गाइस वर्ल्ड कप में एक ही विकेट कीपर काम आएगा जो कि इनमें से BCCI ICCI आराम से चुन लेगी। मगर दोस्तों रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे और वहीं अक्षर पटेल आर अश्विन है हार्दिक पांड्या है, जबकि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में अपनी कप्तानी संभालने वाले हैं और ये वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाएगा। मगर दोस्तों भारतीय टीम चाहेगी अब की बार वर्ल्ड कप 2023 पर कब्जा करना क्योंकि दोस्तों 10 साल से भारतीय टीम कोई भी ICC की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और इस साल इस सूखा को खत्म करना चाहेगी भारतीय टीम। और वहीं स्पिनर की बात करें तो गेंदबाज यजुवेंद्र चहल कुलदीप यादव है और वहीं तेज गेंदबाज की बात करें तो जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज है, हरदीप सिंह है और वहीं उमरान मलिक है। यानी गाइस भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने कोच बनते ही इस खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया विश्व कप 2023 के लिए। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए, जो भी राय हो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।